हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज है हमारी 3.6 क्लास 6 हिंदी मीडियम। तो हमने एक्सरसाइज की 3.5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.6, तो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करने हैं। इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे और उनके जो रूल्स होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में सिखाते जाऊँगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, आप अपनी बुक खोल कर बैठिएगा और उसमें देखिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, क्या दे रखा है, 18 माइनस का 8, 13 माइनस के 8 इंटू 2 प्लस का 3। इसको सॉल्व करना है। ये हमको क्या किया है, गिवन मतलब दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब कि ये जो कोष्टक लगा है ना, इसको सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी कितने होते हैं, 16। 8 का टेबल पढ़ेंगे, मतलब 8 का मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 8 दूनी 16। माइनस लगाया, माइनस 16, प्लस का 3। अब यहाँ पर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, मतलब यहाँ पर 13 प्लस का है और 3 प्लस का है, 13 और 3 कितने होते हैं, 16। माइनस का 16, 16 में 16 गया कितना बचा, 0। आंसर क्या आ गया, 0। इस टाइप से सॉल्व करना है। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 8 दूनी कितने होते हैं, 16, आगे माइनस लगाया तो माइनस, 13 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको इस टाइप से सॉल्व करना है कि यहाँ पर दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 इंटू 3। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब है पहले आगे वाले का गुणा कर लो, फिर पीछे वाले का गुणा कर लो। तो यहाँ पर 5 में 45 होते हैं और 3 पे तो होते हैं 9। 45 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 36। 36 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है और थोड़ा कंसंट्रेशन देना है। कंसंट्रेशन देंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होंगे, लेकिन यदि आप यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं देंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। आपको देखना है ये करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, 5 × 9 दे रखा है, मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर 3 × 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 9 हमको पता है 45 होता है, और 3 × 3 कितना होता है, 9। तो 45 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 36। 36 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब कि 36 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया उसने, उन्होंने घुमा के क्या किया है, 5 फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 8 डिवाइडेड 4। तो मैं आपको एक ही बात बताई कि सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मतलब कोष्टक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 5 से हाथी नहीं लगाना, 5 को 7, 8, फिर यहाँ पर 7 माइनस यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, क्योंकि 4 डिवाइड में दे रखा है, क्या दे रखा है, डिवाइड। अब हमको पता है कि 4 × 2 कितने होते हैं, 8, कितने होते हैं, 8। 5 माइनस 7 कितना है, माइनस का 2। फिर ये ब्रैकेट लगा, इसको सॉल्व करो, 5 माइनस लगाया तो माइनस, 7 में से 2 गया कितना बचा, 5, 5 में से 5 गया कितना बचा, 0। आंसर क्या, 0। ओके, पहले ब्रैकेट को सॉल्व, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि गॉडमास बहुत अच्छे मैथमेटिक्स थे, मतलब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने गॉडमास यहाँ पर बता देना हूँ गॉडमास क्या है। तो उन्होंने एक रूल्स दिया था, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गॉडमास का यहाँ पर ये इसका मीन समझना है, मतलब कि मीन यहाँ पर इसका अंडरस्टैंड करना है आपको। गॉडमास का सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए, फिर ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब होता है का, फिर डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड कीजिए, फिर सब्सट्रैक्ट, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर पहले तो ब्रैकेट था, तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब ब्रैकेट को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर ब्रैकेट को हटाना है तो फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ तो यहाँ पर दिया नहीं है, मतलब का यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, फिर है डिवाइड। अब चूंकि डिवाइड, गॉडमास ये कहता है कि डिवाइड करना है, तो
डिवाइड ही करना, माइनस कहां से करना, माइनस को सबसे लास्ट में करना है, ठीक है ना। तो व्हाट आर आस्क्ड कहते हैं कि डिवाइड करना है तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड किया 2 आया, 7 में से 2 फिर माइनस किया, क्योंकि ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, सबसे पहले ये तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो व्हाट आर आस्क्ड कहते हैं, व्हाट आर आस्क्ड से ये रूल्स होता है, नियम होता है। फाइव क्वेश्चन भी इसका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का। अब सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ, तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आप डिवाइड, मतलब डिवाइड से रिलेटेड है, मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, जो भी रिलेटेड है आप करके जाओगे, क्योंकि मैंने आपको वर्ड मास का नियम बता दिया। वर्ड मास क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट हटाइए, फिर ऑफ का हो तो हटाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर एड, फिर सबस्ट्रैक्ट। सबस्ट्रैक्ट लास्ट में करना है, डिवाइड पहले करना है, ठीक है ना। तो आप, मैंने आपको यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन करा दिए, 4, 5 और 6, 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सरल कीजिए, सरल करना है। क्या दे रखा है यहाँ पर, दे रखा है 32 माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए का आ गया, का 6 माइनस के 14। तो आप पूछेंगे कि सर ये का क्या होता है, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, नहीं करा हम कर लेते, कोई दिक्कत थोड़ी, ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है, 32 माइनस 3, का की जगह लगाना है आपको गुणा, क्या लगाना है, गुणा, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये का बार बार आप ऑफ का ऑफ का ऑफ का बोल रहे, तो है क्या है, चूंकि ये गुणा है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर 6 माइनस 14, 32 में से 3 घटा लो तो 29 बचेंगे, 6 में से 14 घटा लो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, क्योंकि 8 में से 14 होते हैं, क्योंकि माइनस के बचेंगे, इसलिए माइनस, माइनस के क्यों बचेंगे, माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, माइनस के इसलिए बचेंगे क्योंकि 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 माइनस की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो माइनस, ओके। आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 72 किलो, 8 लगे 7, 8 2 16, 16 और 7 23, माइनस लगाए माइनस, आंसर 232, ठीक है, ओके। इस टाइप से सॉल्व करना, ठीक है ना, का गुणा इसको सॉल्व करेंगे तो 32 में से 3 जाएंगे, 29 बचेगा, 14 में से 6 जाएंगे, चूंकि 14 माइनस का इसलिए माइनस का है, तो 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 232 माइनस का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, सेम ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना, यहां पर क्या दे रखा है, देखिए यहां पर दे रखा है 30 माइनस 5 इंटू 2 दे रखा ना, सॉरी नहीं 3 है, मतलब 3, फिर लगा का, फिर लगाया क्या, तो का मतलब आप समझ सकते हैं, फिर 2 प्लस ब्रैकेट में 19 प्लस दिया है, फिर डिवाइडेड 8। ये क्वेश्चन दे रखा सिंपल, करना कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, ये का दे रखी दे दिया, यहाँ पर क्या दे रखिया, यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर क्या दे, तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है और इस का की जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है। मैंने वर्ड मास का नियम बताया, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है और इसमें ब्रैकेट कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक देखना है, लगा है तो ठीक है, नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, 30 माइनस 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई का 2, ये ब्रैकेट लगाए कितना 16 डिवाइड 8। अब ऑफ हमने देख लिया का है, तो का को सॉल्व करेंगे, का के बाद आता है डिवाइड, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड ये दिया है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई क्या है, ये है 15 15 3 5 15, फिर प्लस
टू, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई क्योंकि अभी भी मल्टीप्लाई है, तो 15 दूनी 30 प्लस का 2, 30 से 30 कैंसिल, कितना बचा 2, 2 क्या आ गया आंसर। आप धीरे धीरे क्वेश्चन को करते जाएंगे, क्वेश्चन क्या होता जाएगा सरल, और सरल ही पूछ रहा है कि सरल कीजिए। आप धीरे धीरे क्वेश्चनों को करते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप ही सरल होता चला जाएगा, बस आपको क्या रखना है, रूल्स फॉलो करना है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे ना तो आपका आंसर नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है। एक हमसे प्रॉब्लम, एक सॉरी, इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी हमसे क्या मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर जो का दे रखा है ना उस पोर्शन को अलग सॉल्व करना है और ये का दे रखा है इस पोर्शन को अलग सॉल्व करना है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो अलग सॉल्व होगा और ये वाला जो पोर्शन होगा वो अलग सॉल्व होगा। तो 30 में से 15 जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 30 में से 15 जाएगा मतलब कि 5 किए 15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, फिर काफी जगह मल्टीप्लाई, फिर यहां पर 4 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 16 आठ दूनी 16 और ये 4 5 किए 15, 30 से 15 जाएगा, 15 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये प्लस नहीं है, यहाँ पर आप माइनस कर लेना, यहाँ पर क्या है माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर 15 और 15 क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा बन, और ये आंसर 15 आया। मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिसप्रिंट दे रखा है, मैंने यहाँ पर एज्यूम करके माइनस लिखा है, वैसे तो आंसर 0 आ रहा है लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है मिसप्रिंट दे रखा है, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। हम जो कर रहे थे सबसे पहले हमने जो सॉल्व किया था आंसर वो ही होगा, ठीक है ना, बाकी इसमें आंसर नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक, तो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको होमवर्क में देते जाऊंगा, ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, कंप्लीट करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।